टेफ्लॉन का ये गैस चूल्हा इस तरह की पैकिंग में आता है। इसमें हमें चार बर्नर दिए गए हैं और इसका जो टॉप है वो है टफ एंड ग्लास का। यहाँ पर हमें टेफ्लॉन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और नीचे की तरफ आप देख सकते हो यहाँ पर इसके कुछ फीचर्स को हाईलाइटेड किया गया है। यहाँ आप देख सकते हो गैस स्टोव 4 बर्नर। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट की इमेज देखने को मिल जाती है और इस साइड प्रोडक्ट पर हमें पूरे 1 साल की वारंटी भी दी गई है। यहाँ पर हमें इसकी सारी डिटेल दी गई है। आइटम नेम टेफ्लॉन 4 बर्नर गैस स्टोव। MRP है 7,495 रुपीज, लेकिन इस समय अमेजोन पर ये आपको मिल जाएगा लगभग 2,899 रुपीज में। इसका बाय लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो इसे कर लेते हैं ओपन और देखते हैं कैसा है टेफ्लॉन का गैस स्टोव। यूजर मैनुअल, इसके अंदर आप इसकी सारी डिटेल देख सकते हो, कैसे हमें इसे यूज करना है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, कैसे हमें इसे इंस्टॉल करना है, क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है, सारी डिटेल आप इसके अंदर देख सकते हो। इसके अलावा यहां पर हमें एक वारंटी कार्ड भी दिया गया है। इस प्रोडक्ट पर हमें वारंटी मिल रही है पूरे 1 साल की और यूजर मैनुअल के अलावा यहाँ पर हमें 6 मंथ एक्सटेंडेड वारंटी का भी एक कार्ड दिया गया है। अगर आप इस प्रोडक्ट को टेफ्लॉन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर्ड कर लेते हो तो आपको 6 मंथ की एक्सटेंडेड वारंटी भी मिल जाती है। तो यहाँ पर इसकी जो पैकिंग दी गई है वो बहुत ही कमाल की पैकिंग है। आप देख सकते हो पैकिंग बहुत ही बढ़िया है, साथ ही साथ इसका जो लुक आ रहा है काफ़ी स्टाइलिश लुक हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। इसका डिज़ाइन भी बहुत ही बढ़िया है और साथ ही साथ आप देख रहे हो इसके ऊपर हमें टफ एंड ग्लास दिया गया है। टेफ्लॉन का ये गैस चूल्हा 4 बर्नर के साथ आता है। इसका बर्नर पूरी तरह से ब्रास से बना हुआ है और इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया मुझे लग रही है। आप देख सकते हो पूरी तरह से ब्रास से बना हुआ इसका बर्नर है और यहाँ पर जो इसकी ट्रे दी गई है ये स्टील से बनी हुई ट्रे है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हो पाउडर कोटेड मटेरियल से बने हुए इसके ये हुक दिए गए हैं, स्टैंड दिया गया है। इसके ऊपर हम अपना कोई भी बर्तन वगैरह रख सकते हैं, काफ़ी मजबूत यहाँ पर ये दिया गया है। इसके ऊपर हमें टफेंड ग्लास का टॉप दिया गया है जो कि स्क्रैच प्रूफ है। इसके ऊपर कोई भी स्क्रैच वगैरह नहीं आएगी, आप आराम से इसे क्लीन कर सकते हो। और अगर इसकी बॉडी की बात करें तो बॉडी बनी हुई है मेटल से, इसके ऊपर पाउडर कोटेड पेंट हो रखा है जिससे इसके ऊपर कोई भी जंग वंग आने का खतरा नहीं है। इसके अलावा जो इसकी नॉब्स हैं ये हीट रेजिस्टेंट नायलॉन से कवर्ड हो रखी हैं। इसकी वजह से इसकी जो नॉब है वो गर्म नहीं होती है, आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी, ये बिल्कुल भी गर्म नहीं होगी। पीछे की साइड हमें यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है ये 360 डिग्री घूमता है। यहाँ पर हमें अपने गैस सप्लाई का या फिर अपने गैस सिलेंडर का पाइप यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है। इस साइड आप देख सकते हो यहाँ पर इसका सारा मॉडल नंबर, गैस स्टोव TG4B, मॉडल नंबर LLGS27, नंबर ऑफ बर्नर 4, स्मॉल बर्नर, ये सारा कुछ डिटेल आप यहां पर देख सकते हो। ISI मार्क भी यहां पर हमें दिया गया है। तो इसे क्लीन करना भी बहुत ही आसान है, यहां से हम इजीली इसको क्लीन कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत होने वाली नहीं है। यहाँ पर हमें एंटी स्किड रबर पैडिंग दी गई है, एंटी स्किड रबर लेग्स यहाँ पर दी गई है जिससे ये इधर उधर बिल्कुल वीक खिसकने वाला नहीं है। और यहाँ पर जो नॉब्स हैं आप देख सकते हो यहाँ पर जो इसके रेगुलेटर दिए गए हैं, जो नॉब्स दी गई हैं ये भी पूरी तरह से ब्रास से बने हुए हैं, चारों के चारों आप देख सकते हो ये भी पूरी तरह से ब्रास से बने हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा पेंट हो रखा है, पाउडर कोटेड यहाँ पर पेंट हो रखा है जिससे कोई भी जंग वंग आने का बिल्कुल भी यहाँ पर खतरा नहीं है, कोई जंग वंग आने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। पीछे भी काफ़ी क्लीन यहाँ पर दिया गया है। ये टफेंड ग्लास की बैक साइड है, बैक साइड में आप यहाँ पर देख सकते हो ये सप्लाई का पाइप हमारा यहाँ पर जा रहा है, उसके बाद ये रेगुलेटर से यहाँ पर कंट्रोल हो रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको देख सकते हो। तो हमने इसे अपने किचन में कनेक्ट कर दिया है, आप देख सकते हो मैंने इसे लगा दिया है और बेसिकली यहाँ पर हमने अपनी PNG से इसे कनेक्ट किया है। आप देख सकते हो PNG की जो पाइप आ रही है वो हमने यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्ट कर दी है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप PNG पर इसे कनेक्ट करते हो तो ये चलेगा नहीं, दिक्कत आएगी। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि PNG पे चलाने के लिए आपको इसके जो नोज़ल हैं वो चेंज कराने पड़ेंगे। अभी इसके जो नोज़ल लगे हुए होते हैं, जब ये आता है तो इसके जो नोज़ल लगे हुए हैं ये LPG सिलेंडर के हिसाब से लगे हुए हैं। यानी अगर आप इसे LPG सिलेंडर पर यूज़ करना चाहते हो तो आप इसे डायरेक्ट कनेक्ट कर लीजिए LPG सिलेंडर पर, ये आराम से काम करेगा। लेकिन अगर आप इसे डायरेक्टली कनेक्ट करोगे PNG पर तो PNG पर ये काम नहीं करेगा। PNG पर आपको कराने के लिए इसके जो नोज़ल है वो आपको PNG वाले नोज़ल इसमें लगवाने पड़ेंगे।
पीएनजी वाले जो नोजल्स हैं वो इसके साथ नहीं आए हैं, आपको मार्केट से लेने पड़ेंगे, या फिर जो गैस स्टोव रिपेयर करने वाले होते हैं उन्हें बुलाकर आप इसके जो नोज़ल हैं वो पीएनजी नोज़ल आपको इसमें लगवाने हैं, और उसके बाद ये काम करेगा। तो मैंने इसके जो पीएनजी वाले नोज़ल हैं इसमें लगवा लिए हैं, और इसे पीएनजी से हमने इसे कनेक्ट करवा लिया है। ये कनेक्ट करने का काम आपको खुद नहीं करना है, किसी सर्विस इंजीनियर को बुला के या फिर जो चूल्हा वगैरह रिपेयर करते हैं उन्हें बुला के उनसे ही ये कनेक्शन करवाने हैं। तो मैं अब इसको चेक करके देखता हूँ कि ये प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बिल्कुल ये काम कर रहा है प्रॉपर। यहाँ से आप इसे सिंपर भी कर सकते हैं, स्पीड को इसकी कंट्रोल कर सकते हैं कम या ज़्यादा करना हो तो। आप देख सकते हो हम चारों बर्नर को हम एक साथ यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी स्पेस खाली यहाँ पर मिल रहा है, इनके बीच में काफ़ी डिस्टेंस है, आप चारों बर्नर्स को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं।